यू नो स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिल रहा है जी, तो सबसे पहले तो बताइए कि अपने स्टाइल के रिलेटेड कितनी ज्यादा यू नो कॉन्शियस है आप? ऑनेस्टली मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहती. इससे पहले भी यू वोंट बिलीव मैं इतनी जल्दी तैयार होके निकली हूँ. ये मैं सिर्फ 45 मिनट्स में तैयार होके निकली हूँ, तो मैं इतना कॉन्शियस नहीं रहती. और जो मुझे मिल जाता है, जो मैं अपनी डिज़ाइनर पे पूरा भरोसा रखती हूँ, माई स्टाइलिस्ट एक्चुअली डिसाइड्स फॉर मी, एंड जो देती है मैं फटाक से पहन के बस निकल जाती हूँ. सो आई एम नॉट वेरी अच्छे से खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो और हमेशा मुस्कुराते रहो. ओके, एफआईआर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपने? जी, देखिए उन्होंने बहुत गंदी सी हरकत की है जो शायद मैं नहीं होती अगर मेरे साथ किया है. मैंने तो इतना नहीं कुछ किया उनके लिए, लेकिन कोई और लड़की होती तो डेफिनेटली इससे बड़ा एक्शन लेती और ज़्यादा चीज़ें बोलती उनके बारे में. बट ये मेरी यू नो सभ्यता है और जिस तरह से मैं बिहेव करती हूँ, मैंने बहुत कम रिएक्ट किया है मुझे ऐसा लगता है. बट बहुत घटिया हरकत थी जहाँ पे एक लड़की के बारे में आप इस तरह की बात बोल रहे हैं कि उसके साथ स्विमिंग पूल में नहाने के एक छोटे बच्चे से बुलवा रहे हैं. ये सही नहीं लगा मुझे एंड सही नहीं है. तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया है. बहुत सारे मेरे जो सपोर्टर्स हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाई है इस बात. जब मेरी दीपक से बात हुई थी तो दीपक ने मुझसे काफ़ी माफ़ी मांगी इस बात के लिए, लेकिन वो माफ़ी भी इस तरह से थी कि उसमें भी एक तरह का एटीट्यूड था. उन्होंने एक अपॉलोजी एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया और उसके बाद उसको निकाल भी दिया. एंड देन वो कहते हैं कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है. तो भाई ये कहाँ से पब्लिसिटी स्टंट हो गया जहाँ मैंने कोई पहल नहीं की है. आप मुझ पर वीडियो बना रहे हो, आप मेरे बारे में बातें कर रहे हो और सडनली मुझे कह रहे हो कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है. आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भी नहीं लेती कहीं पर. सो या यस, बिल्कुल बिल्कुल. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए. एंड बट आई एम डूइंग टू फिल्म्स, दो मूवीज़ कर रही हूँ, एक गाना मेरा रिलीज़ होने वाला है. सो या कुछ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बीच में और जो मैं आपको बताती रहूँगी. इसका पूरा श्रेय मेरे डिज़ाइनर को जाता है. अपर्णा कीटे, शी इज़ राइट हियर विद मी. थैंक यू डार्लिंग. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे स्टाइल आइकॉन 2019 अवार्ड मिल रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो अंदर भागने की तैयारी है बस मेरी. यू नो स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिल रहा है जी, तो सबसे पहले तो बताइए कि अपने स्टाइल के रिलेटेड कितनी ज़्यादा यू नो कॉन्शियस है आप? ऑनेस्टली मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहती. इससे पहले भी यू वोंट बिलीव मैं इतनी जल्दी तैयार होके निकली हूँ. ये मैं सिर्फ 45 मिनट्स में तैयार होके निकली हूँ, तो मैं इतना कॉन्शियस नहीं रहती. और जो मुझे मिल जाता है, जो मैं अपनी डिज़ाइनर पे पूरा भरोसा रखती हूँ, माई स्टाइलिस्ट एक्चुअली डिसाइड्स फॉर मी, एंड जो देती है मैं फटाक से पहन के बस निकल जाती हूँ. सो आई एम नॉट वेरी अच्छे से खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो और हमेशा मुस्कुराते रहो.